हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 9 पावर के कैमरे कनेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्रंट कैमरे पे। तो देख लीजिए, फ्रंट कैमरे के कनेक्शन कुछ इस तरीके के हैं। तो कुछ लाइन हमारी पावर आईसी से आ रही है और कुछ लाइन हमारी सीपीयू में जा रही है। तो कुछ इस तरीके के कनेक्शन है, आप देख लीजिए। तो अभी अब आ जाते हैं हम हमारे बैक कैमरे में। एक यहाँ पर भी गया है सप्लाई। तो अब आ जाते हैं बैक कैमरे में। हम हमारे जो बैक कैमरा है हमारा माइक्रो कैमरे में आ जाते हैं। ये माइक्रो वाला कैमरा है, ये इसका कनेक्टर है माइक्रो वाले कैमरे का। इसमें भी ज़्यादातर कनेक्शन जो है हमारे पावर में गए हुए हैं। दो कनेक्शन पावर में गए हुए और दो कनेक्शन सीपीयू की तरफ लाइन पे गई हुई है। तो देख लीजिए, सीपीयू की कुछ लाइन गई हुई है यहाँ पे। तो इसमें भी ज़्यादातर सीपीयू में गए हुए कनेक्शन। तो अब आ जाते हैं हमारे 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे पे। ये हमारा 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। इसमें भी सेम वैसे ही पावर मिला हुआ है और कैमरे सीरीज में बने हुए हैं। तो देख लीजिए, कई बार ये हमारे छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट रहते हैं ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा कैमरा वर्क नहीं करता है। तो आपको इस तरीके से सब कुछ चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा पास से देखना है तो मैं पास से भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई और दूसरे मॉडल पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप वो मॉडल नंबर लिख के भेजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। आप आ जाते हैं मेन सेंसर पर, 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे सेंसर पर। ये हमारा 48 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है पानी जाने की वजह से। तो इसके भी कुछ इस तरीके के कनेक्शन है, आप देख लीजिए एक बार। ये वोल्टेज वगैरह आपको सब चेक कर लेने हैं। अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको वोल्टेज चेक कर लेने और जंपर मार देना है, तो आपका कैमरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।